देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जिले की टीम ने खनिया धाना के ग्राम पंचायतों में बने क्वारंटीन सेंटरों का किया निरीक्षण। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश से आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन कराने में अगर दिक्कत आएगी तो उन्हें खनिया धाना जनपद पंचायत के ग्रामीण पंचायत भवन, प्राथमिक स्कूल या किसी सामुदायिक भवन में रखा जाएगा। ग्राम पंचायतों को इसके लिए अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके नेतृत्व में ही इस व्यवस्था का धरातल पर उतारा जाएगा। फिलहाल स्कूल या अन्य भवन में बिजली, पानी, बिस्तर, पलंग आदि का इंतजाम भी प्रधानों को करना है। इस व्यवस्था के लिए आपदा मद के लिए तहत प्रशासन द्वारा भुगतान किया जा रहा है। वहीं प्रशासन भी दावा कर रहा है कि यहां मौजूद लोगों को पूरी सुख सुविधा दी जा रही है और दी जाएगी। स्कूल और पंचायत भवनों की बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी। खनिया धाना में कोरोना संकट के दृष्टिगत अन्य राज्यों से गांव लौट रहे प्रवासियों को होम क्वारंटाइन करने की व्यवस्था जिम्मा ग्राम पंचायतों को दिया गया है, लेकिन पूरे विश्व में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा है। प्रधानमंत्री आम जनमानस से साफ सफाई को लेकर सजग रहने व संक्रमण न फैले इसे लेकर सावधानी बरतने व घरों से बाहर न निकलने की अपील कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों में संक्रमण को रोके जाने के लिहाज से साफ सफाई एवं आम जनमानस को मास्क व सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने के संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कहना है? नहीं, क्या पूरी जगह नहीं देख पाऊ। मैंने उनसे क्या है, फोटो तक मंगवाया है कि आप कोविड सेंटर सर फोटो नहीं आ पाई क्योंकि नहीं डले हैं मेरे पास फोटो डले। तो किन किन पंचायतों में आपने देखा? आप वो पंचायत बताओ उनको। देखते मैं गलौंदरा देख के आया हूँ, महुआ देख के आया हूँ। तो सर आपने रोड की पंचायत छोड़ के आपने आउट में घुसने का प्रयास किया? नहीं, इसलिए कि वो गलौंदरा में पॉजिटिव थे वहाँ। अच्छा, पॉजिटिव तो सर पिछले साल पन्हारा में भी थे, अभी पोठियाई में भी पॉजिटिव है, तुम्हारे बगल में अपना क्या नाम थे, लेकिन अभी नहीं निकले। इसलिए क्या है कि जो व्यवस्था में कमी दिख रही है वो पूरी करवा। शहरी क्षेत्र से लगे हुए उन सेंटरों को तो ध्यान में रखना। सर आपने जितनी जगह निरीक्षण किया सभी जगह व्यवस्था मिली, आज हम आपके साथ थे जहाँ पर, लेकिन जहाँ कल जहाँ गए तुम आपके साथ नहीं थी, आज क्या क्या कहना है? जहाँ आप थे भागे कार्रवाई करेंगे जहाँ व्यवस्था है। कार्रवाई क्या, नोटिस देंगे नहीं आज? ये हर बार नोटिस में भरपूर पूर्ति की जाती है, कभी कार्रवाई कभी नहीं होती सर। भरपूर आपको कुछ भी कह सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है, नोटिस। एक्चुअली अभी सभी हम लोगों ने ये तय किया है कि हर पंचायत के मुख्यालय पे एक क्वारंटाइन सेंटर हम लोग बना के रखेंगे, चाहे वहां पर अभी पेशेंट हो तो भी और न पेशेंट हो तो भी, क्योंकि भविष्य में कभी किस गांव में कौन पेशेंट निकलेगा हमें नहीं मालूम, उसकी व्यवस्था हमें आज से ही करना है। तो अभी अपन वही देखने आए, तो यहाँ पर अभी खनेदाना में जो भी पंचायतों में अपन देख रहे हैं कि वहां पे कोविड सेंटरों की जो प्रॉपर व्यवस्था जो होनी चाहिए थी उन्हें खुदाई कर दी, सफाई कर दी, लेकिन अभी बेड नहीं डले। तो ये सारा यही अभी अपन आए हैं कि तीन दिन के अंदर ये सारे अपने 100% अपने फंक्शनल हो जाए। बाकी अपने जैसे बामोर कला और जो बड़े बड़े सेंटर है वहाँ हमारे क्वारंटाइन सेंटर ऑलरेडी चालू है, जहाँ पेशेंट आए वहाँ पे हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर हमारे रनिंग फंक्शनल है। ये अभी हम लोग कूलर गए थे कल परसों कूलर गए थे, कूलर पे हमारा क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है हाई स्कूल में, बामोर कला पे हमारा क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, वो हम लोगों ने देख लिए। तो यहाँ पर भी अभी जो हम लोग यहाँ पर आए तो ये अभी जो इन पंचायतों में या तो सब लोग इसलिए आलस में है कि यहाँ कोई पेशेंट नहीं है। सर अवस्था क्या क्या मिली सर आपको कोविड? अभी अवस्था तो या तो सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, कोविड सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर है। ये क्वारंटाइन सेंटर यदि कोई गांव में पॉजिटिव मरीज इस तरह का आता है जिसको होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ घर उसका छोटा है और वो अपने घर के अंदर होम आइसोलेट नहीं हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए पंचायत को एक व्यवस्था करके रखनी है कि जिसके घर में व्यवस्था नहीं है होम आइसोलेशन की, उसको हम पंचायत सेंटर ला के क्वारंटाइन सेंटर बना के वहाँ उसको रहने खाने आदि की सब सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। तो सर इसकी सूचना पहले से ही लोकल के अधिकारियों को नहीं दी? परसों पीएस साहब ने निर्देश दिए हैं, उसके बाद से ये व्यवस्थाएं करने के लिए हम कोई निरीक्षण करने घूम रहे हैं, जहाँ नहीं है अगले एक दो दिन में हम व्यवस्थाएं करेंगे। वहाँ पे अभी सारे सचिवों को जो जहाँ से सब लिखी है।